गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए एक वाटर कलर का डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स यानी कि एक ट्यूटोरियल प्रेजेंट करना चाहती हूँ, जिसमें कि मैंने ये ड्राइंग लाइट ड्राइंग कर रखी है एप्पल की। मैंने ये जो शीट यूज़ करी है ये वाटर कलर शीट है कैंसन की और ये 300 DSM की है। तो अगर एज ए बिगनर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कार्ट्रिज शीट अच्छी है, मतलब वो भी सही है, पर अगर आपको और अच्छा वर्क चाहिए, मतलब और अच्छी क्वालिटी चाहिए वर्क में, तो आप वाटर कलर शीट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस सबसे पहले हम इसमें बेस लेयर यानी कि येलो कलर लगाएंगे जहाँ जहाँ हमें दिख रहा है, जैसे जहाँ जहाँ पर लाइट लग रहा है या फिर हमें शेड्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें इधर पहले शेड देना है क्योंकि इधर से ग्रीन ओरिजिन स्टार्ट होता है ना, तो हम ऐसे यहाँ पर लाइट स्ट्रोक्स लगाएंगे, वाटर कलर के पैचेस लगाएंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी में कोई काम नहीं करना, जैसे कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो या फिर कोई रेफरेंस ले सकते हो तो उसे लेके करना है। मैंने भी एक रेफरेंस ले रखा है, मैं आपको बाद में उसे शेयर कर दूँगी जिसे मैं देख के बना रही हूँ। सबसे पहले इसे लाइट जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है कि ज़रूरत है तो वहाँ पर लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पर। और हाँ, इसमें ये है कि जो वर्क करना है वो लेयर बाय लेयर करना है। जहाँ जहाँ हमें येलो की ज़रूरत है वहाँ पर हम येलो लगा देंगे, और किसी को ग्रीन एप्पल बनाना तो पहले इसी शेड को लगाए, इसे थोड़े लाइट शेड को लगाएगा। तो वाइट छोड़ना, बिल्कुल ये भूलना। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वाटर कलर करने के डिफरेंट स्टाइल होते हैं, पर और हर किसी का अपना स्टाइल होता है। तो जैसे ही मुझे ऐसे काम करना पसंद है, सबसे पहले ये लाइट, कोई यूज़ करता है जैसे येलो की एक लेयर लगा दी पूरी, फिर उसके बाद ग्रीन की लगा देंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। मैंने ऐसे किया कि जहाँ पर ग्रीन और येलो की ज़रूरत है मैंने वहीं लगाया। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे हमने देख लिया कि हमें यहाँ यहाँ लगाना था येलो, ठीक है, वाइट जैसे इधर शाइन आएगी यहाँ लाइट पड़ रही, तो ये इस पोर्शन को हम लाइट छोड़ेंगे। ठीक है, वाइट छोड़ेंगे, यहाँ पर डार्क रखेंगे। अब हम इसके बाद यूज़ करेंगे रेड कलर। रेड में कौन सा क्रिम्सन, अभी थोड़ा लाइट यूज़ करेंगे।
ऐसे सेम टू सेम दूसरे वाले में भी करेंगे, दूसरे में देखेंगे कि जो लाइट पड़ रही है ना, जैसे ये लाइट यहाँ से आ रही है तो सबसे पहले इस पोर्शन में सेपरेट के पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से स्ट्राइक होके ये जो लाइट है वो इस पोर्शन में पड़ेगी, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ व्हाइट कलर छोड़ना है, ठीक है। वाटर कलर में मेन यही होता है कि व्हाइट बहुत मतलब पेशेंस से काम करना होता है, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं, एक लेयर लग जाए फिर दूसरी लेयर चढ़ाते हैं। अगर हम गीले के ऊपर गीले करेंगे तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा या फिर खराब बेकार इम्पैक्ट देगा। यहाँ पर शेड पड़ रहा है, यहाँ पर लाइट आएगा तो इधर डाल जाएगा तो ऑटोमेटिकली।
वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।